रही है क्योंकि वो बीजेपी के भंवर में फंसना नहीं चाहती। शुक्रिया करेंगे आपका। बात करते हैं बिहार की। बिहार चुनाव और दूसरे राज्यों में उपचुनाव में हार को लेकर कांग्रेस में कलह जारी है। इस बीच कांग्रेस की स्पेशल कमेटी जो कि सोनिया गांधी की सलाहकार समिति है, उसकी बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कृषि बिल को लेकर बातचीत हुई है और सोनिया गांधी इस बैठक में नहीं थी। और इसके साथ ही आपको बताएं, ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब चुनावों में हार के बाद पार्टी में रिव्यू का मुद्दा उठ रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को एक इंटरव्यू में कह दिया था कि पार्टी ने शायद हार को ही अपनी नियति मान लिया है, टॉप लीडरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसके पहले भी सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी के बड़े बदलाव की जरूरत बताई थी। अगस्त में हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस मुद्दे में जमकर हंगामा किया। इसी खबर पर रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद हंगामा हुआ था, हालांकि बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा था, खूब फजीहत हुई थी कांग्रेस पार्टी की। अब बिहार में जो हश्र हुआ है कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जो ये गतिविधियां हैं, ये क्या ये स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस को वाकई अपने भीतर झांक के देखने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मौजूदा हालात में जो कांग्रेस में आलाकमान प्रथा है, क्या हो पाएगा ऐसा? देखिए, आज एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग शुभ्रा हुई थी और किसान को लेकर एक सिग्नेचर कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया था, जिसको राष्ट्रपति को देने की बात थी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन तक जाएगी और कई की सिग्नेचरी कैंपेन हमारा कंप्लीट है, हम उसको सबमिट करना चाहते हैं। पहली बात, बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव के बाद जो एक अंतरकलह कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत कपिल सिब्बल ने की है और कई ऐसे और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि पार्टी जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। एडवाइजरी कमेटी में ये तय हुआ है कि कपिल सिब्बल और ऐसे और जो नेता हैं, इन सब की बात आने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जल्द कांग्रेस पार्टी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएगी, जिसमें बिहार को लेकर और कांग्रेस पार्टी की वर्किंग को लेकर बातचीत होगी। कैसे इंटरनल डेमोक्रेसी जो है उसको बहाल किया जाए, कैसे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इंप्रूव करे, इन सब को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रजत का। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी, लेकिन कपिल सिब्बल ये भी बात कर चुके हैं कि वहां पर जितने भी मेंबर हैं वो सब नॉमिनेटेड हैं, कोई भी चुनकर नहीं आया है, और जब चुनकर नहीं आया है तो फिर कैसे सच्ची और अच्छी बातों को वो सामने रखेगा? शुक्रिया। बिल्कुल, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी हम आगे जरूर आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए चलिए वहां खबर जहां। के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका और चलिए वहां खबर जहां। में बताते हैं आपको कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की सियासत में क्या चल रहा है। मंत्रिमंडल के बाद अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। नीतीश कुमार ने कई अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं, लेकिन मलाईदार वाले विभाग बीजेपी के हिस्से में आ गए। जी हाँ, बिहार में एक ऐसे कार्यकाल की शुरुआत हुई है जिसमें जेडीयू पहले से कमजोर हुई है और बीजेपी मजबूत होकर सामने आई है। यही कारण है कि नीतीश कैबिनेट का स्वरूप बदला नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने बड़े चेहरों को नजरअंदाज किया है, ये आने वाले समय में उसकी चुनौतियां बढ़ा सकता है। नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल को शपथ लिए 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं हुआ था कि सभी मंत्रालय का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और डिफेंस विभाग, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास जैसे मंत्रालय मिले। ये वो मंत्रालय है जो पहले सुशील कुमार के पास थे। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, ओबीसी, ईबीसी और उद्योग विभाग, विजय चौधरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, फूड प्लानिंग और एक्साइज विभाग, मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग, शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय,
संतोष पाजी को लघु सिंचाई और SC ST कल्याण विभाग, मुकेश साहनी को पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय, मंगल पांडे का कद बढ़ाते हुए स्वास्थ्य, सड़क और कला एवं संस्कृति विभाग दिया गया है। राम सूरत राय को राजस्व एवं भूमि सुधार, अमरेंद्र सिंह को कृषि, सहकारी और गन्ना विभाग, रामप्रीत पासवान को PHED, जीवेश कुमार को पर्यटन, श्रम और खान विभाग दिया गया है। तो बिहार में एक ऐसे कार्यकाल की शुरुआत हुई है जिसमें जनता दल यूनाइटेड पहले से कमजोर हुई है और BJP मजबूत बनकर उभरी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का स्वरूप बदला नजर आ रहा है और इसमें BJP से अधिक मंत्रियों ने शपथ ली और पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। BJP से 7, JDU से 5, हम और VIP से 1-1 मंत्री बना है। मतलब बिहार में सरकार बन गई है, मंत्रियों के साथ विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन जिस तरीके से BJP ने अपने बड़े चेहरे को नजरअंदाज किया है उससे उसकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन जानकारों की माने तो BJP ने सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की। सुशील मोदी की जगह वैश्य समाज के तार किशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह चंद्रवंशी समाज के प्रेम कुमार की जगह नूनिया समाज की रेणु देवी को पार्टी ने नुमाइंदगी सौंपी है। नंद किशोर यादव की जगह औराई से पहली बार विधायक चुने गए राम सूरत राय को मंत्री बनाया गया है। एक तरह से BJP ने बिहार में बहुत आगे की चाल चली है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।